अभी 10-15 दिन पहले लेके गया था अपनी वर्टस को सर्विस सेंटर में, अब इसमें फिर लाइट आ चुकी है ये। अबे यार यही काम थोड़ी यार, हर थोड़े दिन में इसको वापस सर्विस सेंटर पे लेके जाओ भाई। पूरी वीडियो ज़रूर देखना भाई, मतलब जो वर्टस ले रहा है उसको भी थोड़ा पता चलेगा, और जिसके पास है उसके साथ भी अगर यही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो, तो वो भी बताना कमेंट में। हेलो दोस्तों, स्वागत है अभी आपका एक और नई वीडियो में भाई। अभी कुछ दिन पहले है ना मैंने वीडियो डाली थी कि मेरी वर्टस की मैंने 22,500 वाला जो एक चेकअप होता है वो करवाया था। अब मेरी गाड़ी चल चुकी है भाई 26,055 किलोमीटर मान लो, और मेरी गाड़ी में ये लाइट आ चुकी है। ये किसकी लाइट है? ये इसकी लाइट है। प्लीज़ चेक ऑयल लेवल और प्लीज़ ऑयल चेंज सर्विस इन 4,100 किलोमीटर, यानी मेरी 30,000 पे जो इसकी सर्विस है वो भी अब ड्यू हो जाएगी। और ऑयल लेवल, जब मेरी गाड़ी 7,500 किलोमीटर चली थी ना, मैंने तब भी एक वीडियो बनाई थी कि यार इसमें इंजन ऑयल जो है ना वो मतलब ऑयल जो है वो कम हो रखा है, वापस मेरे को डलवाना पड़ेगा। उस टाइम पे आधा लीटर डला था 450 रुपये के आसपास, कुछ 485 या ऐसे कुछ। अब ये फिर आ चुकी है भाई लाइट, अब 22,500 पे उन्होंने चेकअप भी कराया। अब उस टाइम पे अब पता नहीं वो कम नहीं हुआ, कम था नहीं था वो मेरे को पता नहीं, क्योंकि भाई वो उनके अंदर की रिपोर्ट होती है। अब उन्होंने तो गाड़ी मेरे को करके दे दी। अब इसमें फिर आ रखा है ये कि आप अपनी गाड़ी का जो ये ऑयल लेवल है ये मतलब टॉप अप करवाओ। यार ये मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। अब उन्होंने चेकअप पे ना मैं सिर्फ 1,700 रुपये भी ले लिए, पर फिर भी मतलब मेरे को बहुत अजीब लगा। और इंजन ऑयल मतलब मेरे को यार ये ऑयल लेवल जो है ये बार बार हमेशा कम हो जाता है इस किलोमीटर के आसपास में ही। तो अब मैं आपको बता भी देता हूँ कि वैसे तो अब मैं जो ये वाला पीरियड था ना 15,000 किलोमीटर वाला, ये इसमें मैं गोवा भी गया, ड्रैग रेस जो है ना मुश्किल से मैंने एक करी होगी, नहीं तो मैंने ज़्यादा गाड़ी अब की बार बहुत आराम से नॉर्मल रखी है। एक बार 200 पे भी गई थी भाई, जब मुंबई एक्सप्रेसवे पे गया था जब 200 पे भी गई थी। पर यार मेरा मानना नहीं है ये कि गाड़ी का जो है ना ये मतलब ऑयल लेवल इससे कम हो जाता है। अब मैं इसको टॉप अप करवाऊंगा, थोड़े दिन बाद इसकी फिर सर्विस ड्यू हो जाएगी 30,000 पे, फिर वो फिर चेंज करेंगे, अब पता नहीं। और ये फिलहाल भाई आज होली है, 7 मार्च आज ही के दिन आप ये वीडियो देख रहे हो। तो अभी मेरे को गुड़गांव निकलना था, तो मेरे ही मुदा मैं भाई इसको ठीक करा लूँ, क्योंकि ये लाइट है ना परसों आई थी और मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा था, रोहतक में कल रात को ही आया था। तो मेरी मुदा मैं आज ही करवा के अपना गुड़गांव निकल जाऊँगा। तो अब यही है भाई, देखते हैं फिलहाल, अब देखते हैं चलते हैं भाई वापस फॉक्सवैगन रोहतक। यही रोडें दिखती हैं हर बार, क्योंकि यहीं पर आके मेरे को शांति मिलती है, अंदर भीड़ भीड़ में वीडियो भी नहीं बन पाती। 2000 years later. तो भाई फिलहाल आ गए थे शोरूम के अंदर ही। इंजन ऑयल कम लग रहा है क्या भैया? कम है पिछली बार भी आधा लीटर ही डला था, अब क्यों ये था निकलना था बाहर और लाइट आ रखी है तो क्यों रिस्क लेना। ये सारा शोरूम सर्विस सेंटर बंद हो चुका है, ओनली करके 4 बज रखे हैं भाई। मैं आया अभी बहुत लेट क्योंकि कहीं बाहर जा रखा था, तो सारा स्टाफ जा चुका था, वो शटर जो है ना उसका वो भी बंद हो गया था। तो थोड़ी इतनी हमारे लिए भाई मेर मान लो चाहे बढ़िया कनेक्शन मान लो, अब फाइनली वो आने लग रहे हैं वापस और लगा ही देंगे। कैसे हो? बढ़िया, बहुत दिनों में दर्शन दिए, देखो पूरे होली होली खेल रखी है भैया ने। करवा दो करवा दो, बस भाई इंजन ऑयल आधा लीटर डल जाएगा। बिना इंजन ऑयल भी काम थोड़ा बहुत चल सकता था, पर अभी 4,000 किलोमीटर रहते हैं और परसों मेरे को निकलना है एक ट्रिप पे 3-4 दिन की, वो आपको पता चल जाएगा शायद। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना पहले ही, मेरे को वहाँ पे पता चल जाएगा। फिलहाल डलवा लेते हैं इंजन ऑयल और चलते हैं फिर अपना वापस बाहर। लो भाई फाइनली अपनी गाड़ी में से वो वाली जो लाइट थी वो भी जा चुकी है, यहाँ से जो है लाइट भी जा चुकी है और यहाँ से जो है स्टेटस में से भी वो निकल चुका है। थैंक्स भाई फॉक्सवैगन रोहतक वालों। दिल भाई कैसे कुछ कर दिया भाई, पूरा स्टाफ एक कुछ वहाँ पे होली खेलने लग रहे थे क्योंकि आज लास्ट वर्किंग डे होगा शायद कल की, तो भाई ये भाई छुट्टी होगी, तो भाई मैं अकेला ही था,
बस जाके गाड़ी मैंने लगाई, सारे में देख रहे यार काम आ गया, पर काम देखा जाए तो बिल्कुल 5-10 मिनट का ही था और वही काम हुआ होना था मेरा। पर वही है ना भाई, अगलों के लिए तो मतलब भाई देखो सॉरी हम बहुत लेट आए, पर मेरे को भाई निकलना था बाहर इसलिए मैं इतना वो हुआ था। पर फिर भी भाई गेट पे तो बोल रहे थे कि यार अब क्या आ गए सुबह क्यों नहीं आए, भाई सुबह नहीं आ पाया भाई बाहर था मैं, तो फिलहाल यही था भाई। अब फिलहाल बात ये है कि अपनी गाड़ी में वो लाइट जल चुकी है, बिल कितने का है मैं आपको वो बता देता हूँ। बिल है भाई अपना वही 443 रुपीज का, जो अपना आधा लीटर जो है वो डला है, तो आप क्या की है बिल, ये सब था। अब भाई लास्ट मोमेंट में मेरा काम बन गया यार, लाइट चली गई, अब थोड़ा आराम से चला भी पाऊंगा मैं गाड़ी, क्योंकि यार जब गाड़ी में लाइट रहती है ना तो ये सब। अब मेरा मेन वीडियो का मोटिव यही था बार बार, मतलब ये एक तरह से ना मैंने फिर पूछा भी कि 22,500 रुपये जैसे जब चेकअप हुआ तो तब इंजन ऑयल चेक नहीं हुआ ये, तो उस टाइम पे बोले कि हमने कंप्यूटर में भी लग जाता है पता, और हमने जब उस टाइम पे चेक करा था तो इतना वो नहीं था, तो शायद उसके बाद मैंने गाड़ी वहाँ पे भी मैं जैसे एक्सप्रेस वे पे लेके गया था गाड़ी, और भी डेली चलती है मेरी, बहुत चलती है भाई गाड़ी, 10-15 दिन में अब देख लो कितनी चला दी मैंने, 2-3 हज़ार और चला दी, तो शायद हो सकता है इसलिए जितनी रनिंग ज़्यादा होती है इतनी खपता है इंजन ऑयल जो है हम थी, मतलब गाड़ी मांग लेती है, तो यही है नॉर्मली कह रहे हैं तो बहुत नॉर्मल है, कोई वो बात नहीं है। बाकी अब इसके आगे सर्विस होगी जब पूरे चेंज हो ही जाएगा, तो आप अपना ज़रूर बताना एक्सपीरियंस किसी के पास वर्टस हो या स्लाविया में भी ये दिक्कत आ रही है नींद आ रही, ये भी मेरे को बता देना। और अगर आप डलवा रहे हो तो आपका भी आधा लीटर ही डल रहा है, मतलब कैसे फिगर में डाल रहे हैं पूरा ये बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। बाकी हैप्पी होली है भाई सभी को, यहाँ तक वीडियो देखी इसको लाइक कर देना, शॉर्ट एंड सिंपल सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको बढ़िया लगेगी। और मिलते हैं आपसे कैसी ही नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर आपको ये जानना है कि हम अभी कहाँ ट्रिप पे निकल रहा हूँ।